तू ना चीजू के जाके बता दे कि तू चीजू खाते काफिल कर ले। का? हाँ? हम ना बोल सका, हम कबू ना बोल ना सका। दी तरह के बोले के पड़ी, तुमसे प्रॉमिस कर ले रहो, अगर तू ना बोलबू ना तो चीटिंग कर लो बुलबुल। हम के पता बा, तू जानत रही ना कि हमसे कुछ ना होगी, इसे तो सत लगा ले रहो। हम ना बता सको उनके काहे ना बता सके कहे की हम उनसे प्यार कर ले हमरा लाइए काफी है। प्यार करब काफी नहीं क्योंकि जतावे भी पड़ेला तब तक। अगर तू ना बताएगू ना तो हम जाके बता दे, उहे में तार खुशी दिया। अरे बुलबुल ना 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 ना, देखा हमारी इससे की खुशी हमके मिल चुकल बा। तू कौन खुशी के बात कर रहल बाड़ी दी? खुशी तो तरह के तब मिली जब चीजू तरह से प्यार करे लगी है। तू काहे ना समझे ना समझे के बा बुलबुल, तू हर चीजू हमरे साथे बाड़े ना, हमरा लाई जिंदगी की सबसे बड़ खुशी बा। लेकिन दी बुलबुल तू ना जाने लू, जर हर रोज हम उनके उठाई ले और कुछ देर और सुते खातिर हमसे झगड़े लेना तो हमके उस झगड़ा में खुशी मिले ले। जब हम उनके खातिर कॉफी बना के लाई ली तो हमके मना कर देवे ले। लेकिन फिर चुपके से पी जा ले और उनके अच्छा भी लागे ला। उनकी बचपना से हमके खुशी मिले ले, हमके चिड़ाए हमसे झगड़ा करब, हमके चश्मीस फुग्गी बोला ही उनके अच्छा लगे ला। ये सब करके जब उनके खुशी मिले ला ना तो उनके देख के हमके दुगनी खुशी मिले ले। कौन चीज अगर कमरा में ना मिले ना तो हमके ही आवाज दे ले, और जब हम ढूंढ के दे ले मुंह बना के ही सही लेकिन थैंक्स भी कही ले। थोड़ी देर भी हम उनके ना दिखी ना हमके ढूंढे लागे ले। कबो कबो अनजान में भी हमार फिकर करे ले, हम ना जाने ले कि असली खुशी का हो खेले। लेकिन उनकर छोट छोट बात में ना हमके बहुत बड़ खुशी मिले ले। लेकिन हर खुशी अपना साथे एको डर लेके आवेले बुलबुल, कहीं कहीं हम उनके खो ना दी। अगर हम उनसे अपन दिल के बात कह देनी, उनके कौनो भी बात के बुरा लग गए या हमसे नाराज हो गए ले तो उनसे अलग हो जाए, हम इतना बड़ा रिस्क ना ले सकत बुलबुल। तू काहे ना समझ तो हार कहे के मतलब बा कि तू जिंदगी भर एक तरफा प्यार करबू? जिंदगी भर के तो पता ना, लेकिन जब तक इनके साथ है बानी तब तक तो करब दी। जब तक तू जीजू के ई ना बतेबे कि तू उनसे कितना प्यार करेलू, उ तरह खातिर उ फीलिंग कहां से? हम कहनी ना, हम ना बोलब। काहे ना कहबू बुलबुल? देखा ई बारे में हमके तरह से और बात ना करे पड़ी, कहे कि तू हमरा से प्रॉमिस कर ले रहलू, तू हमर प्रॉमिस ना तोड़ सकलू। अगर तू हमर प्रॉमिस तोड़ लू ना तो हम तो तू का तब हम एंगेजमेंट ना करब। हाँ। तो एंगेजमेंट तोड़ दे बू? जी हाँ। बुलबुल देखा हम जानता नहीं तू ये सब काहे कर रहल बाड़ू। देखा हर बार ना जीत करके ना मनावल जाले। तहरा लगा था हम जीत कर रहल बानी, तहरा के लगा हम ड्रामा कर रहल हाँ। बानी ए बार हम तहरा ड्रामा में ना आवे वाला बानी। ओके फाइन। अरे कहाँ जा रहल बाड़ तू? ये लेकी हो का गल बाइक रखे भाई, ये ऑफर कुछ 3 या 4 महीना पहले आयल है। तब प्रॉब्लम का बा? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बल्कि वो न्यूज़ बा। जब से आपके लास्ट वाला कॉन्सर्ट हिट भइल बा ना, तब से हम आपके प्राइस डबल कर देले बानी फॉर एवरीवन। पर ठीक लाइन चाहता कि जोन डील बा ये पुराने प्राइस पे होके। तो का सोचले बा तू? भाई हम 2 पॉइंट सोचले बानी। फर्स्ट, एक तो कंपनी बहुत रेपुटेड बा, अच्छा फीडबैक बा, लेकिन सारा पेमेंट एडवांस में देता तो हम 1 हफ्ता खातिर उलो के होल्ड पे रख ले। दैट्स अ स्मार्ट मूव आकाश, काफी जल्दी काम सीख गइला तू। थैंक्स भाई। भाई के करे के डबल पेमेंट मिली ना, उमे से आधा पेमेंट हमार। आधा का है पूरा ले ला, सब कुछ तोहार और दादी के ही दबा। बट भाई हम का कतरा नहीं की हमरे साथे चला, हमके कुछ इंपॉर्टेंट बात करके बा। बुलबुल बाद में बात करी, अभी समय बहुत कम ना, है अभी बात करके बा। चला सॉरी, चला ये के कहाँ लेके जा रहल बिया? दी 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 तू 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 पूरब के कहाँ लेके आयल बाड़ू यहाँ पे? तरह के लगल रहना कि हम ड्रामा करत बानी, तब खुदे पूरब के जबानी सुन। तू
बाबू वैसे काहे कर रहल बाड़ू, तू पूरब के इन्वॉल्व कर रहल बाड़ू, ये खेल थोड़े ना बा। ऑफ कोर्स दी, ये तो हम कर रहल बानी कि कोनो खेलने के, जिंदगी के सवाल है दी, जिंदगी के सवाल। बोल बोल क्यों हमके बताई यहां हो कर रहल बा। पूरब हम दी के कहले रहनी तू जाके जीजू के प्रपोज करे, और अगर वो ऐसे ना करिए तो हमने दोनों एंगेजमेंट ना करब। लेकिन दी दी भैया इनके लग रहा बा कि हमने ड्रामा कर रहा बानी। ओ पूरब देखा तू एकर बात के सीरियसली मत ली। प्रज्ञा दी बुलबुल ठीक कहता रे, हमने डिसाइड के लिए बानी कि जब तक आप और अभी एक ना हो कब हमने एंगेजमेंट ना करब। तू दोनों के ना दिमाग खराब हो गए बा, एक तो इतना मुश्किल से रिश्ता भइल बा, ऊपर से तू दोनों अचानक। प्रगति अचानक कुछ नहीं किया हो रहा, हम और बुलबुल ये फैसला सोच समझ के ले बानी। इनफैक्ट हमने तो तीन बार ट्राई भी कहले। ट्राई का ट्राई कर चुकल बाड़ा जाए देना वो छोड़ी। कुछ ना हम के जाने के बाद का कहला तू दोनों। प्रज्ञा दी न्यूज वाला रात के जोन जो लड़की आई रहे हो मीतू ओके हम ही बोलले रहनी, और जो कहले रहली हो हम ही कहले रहली ओके करे खातिर का। प्रज्ञा दी सब अकेले ना अकेले भी तू ही रहली। हम कब ई का कहलक पूरा बताई हम की ई का कहलक। प्रज्ञा दी जब हम स्टोर में गेल रहनी और आप और अभी रूम में लॉक हो गेल रहनी तो यह कहले रहे। तू दोनों ही पागलपन कर पागलपन करत रहनी, एटलीस्ट कुछ तो करत बानी ना, और इसे हमने के कोनो अफसोस नहीं किया ना कबो होखी। लेकिन हम तू दोनों के साथ ना देवे वाला। आई नो कि तू हमने के साथ ना देबू, और हमने के साथ चाहिए भी ना। हमने तोरा और जीजू के एक करके रह, दैट्स फाइनल पूरा, लेट्स गो। अरे रुक जा पूरा, ऐसे ना हो खेल, अपन दिल की बात बताई क्यों की क्योंकि प्यार हासिल कर ऐसे ना हो खेला। तक कैसे हो खेला दी बुलबुल, हम तरह के कैसे समझाई यार। तू बस हमार बात मान ल, हम जे कर रहल बानी कर ना प्लीज। हम दरअसल कोशिश कैले रहनी एक बार। कोशिश कैले मतलब तू जीजू के प्रपोज कैलू? हाँ भी और ना भी। हाँ भी ना भी मतलब? वो हमके चैलेंज कैले रहे। चैलेंज? वो हमके अनरोमांटिक बोल बोल के चिढ़ावत रहले, हमसे कहलक कि अगर खुद के रोमांटिक प्रूव करे चाहताड़ू तो उनके प्रपोज करके दिखाई। तो तू जीजू के प्रपोज कैलू? आहिस्ता आहिस्ता मन खोलने लगा है, दिल को न जाने क्या होने लगा है। देखा नहीं था तुझे कभी इन नजरों से, तेरी नजरों का असर अब मुझ पे होने लगा है। हम उनके प्रपोज कहीं नहीं हम उनके पूरे के पूरा पोएम सुना देनी जी, उनके बहुत अच्छा भी लागल। मुँह तो यह तक कह दलक की हमारे पोएम में ना इतना रोमांस बस जितना उनके गाना में भी नहीं खे, और हम चैलेंज जीत गई नहीं था वो हमके रिवॉर्ड दे दिली। और आज से तुहार नाम चश्मिश ना बल्कि का होखी हमार नाम? तुहार नया नाम होखी फुगी। रिवॉर्ड में हूँ हमके फुगी बुलावे लगे। ती चीजों की पता रहा ना कि तू उनके सीरियस प्रपोज करत रही, या वो एक एक गेम समझ बैठ ले उनके कुछ भी लगे। लेकिन हम तो फिर भी दी तू कौन जमाना में जी रहा बाड़ू दी, इट इज सो अनरोमांटिक सो ओल्ड फैशन। केहू गाना सुनावेला केहू कहानी सुनावेला ऐसे थोड़ी ना केहू प्रपोज कहला। तू भी ना दी दी पूरब हमरा से प्यार करेला ना तो अगर ये बात तू हमके आके ना बताई तो का आज हमने दोनों एक साथ रहती ना? ना सिमिलरली तरह के अभी जीजू के ई बात बतावे के होखी की तू उनके ला का फील करेलू, उनकी आँख में आँख डाल के उनके बता दे कि तू उनके बहुत चाहेलू बहुत प्यार करेलू, और तू अपन पूरा जिंदगी उनके साथे बितावे चाहेलू। वो ना कह दे लगता ना ना एक मिनट कुछ भी हो के हम उनके मुंह से ना नहीं के सुन सकता। ना ना कहिए एकर मतलब जीजू हाँ कहिए ना हाँ भी ना कहिए ना भी ना कहिए तू का बोल रहा बाड़ा पूरब? देखा बुलबुल तू प्रज्ञा दी के बचपन से जाने लो और बहुत अच्छा से जाने लो, वैसे हम अभी के बचपन से जाने ला और बहुत अच्छा से जाने ला। आई एम श्योर अभी प्रज्ञा दी और तनु के कंपेयर तो जरूर करी, और हम कितना भी जरूर मालूम बा कि वो प्रज्ञा दी के तनु से ज्यादा प्रीफर करी, और अगर ऐसा ना होगा तो प्रज्ञा दी के कब के घर से बाहर निकाल चुका तू। राइट बाकी ऐसा ना कहलस, ऐसा ना बाकी वो ट्राई भी ना कहलस, बट जब भी ऐसा न बताए लो खुद प्रज्ञा दी के बचालस ना घर से बाहर ना निकल लस, तो हमके ही लगा था कि
क्योंकि प्रज्ञा दी की आदत हो गई बा, वो इनसे अलग ना रह सका था। अब जब अचानक प्रज्ञा दी के प्रपोज करी है ना, तो के समझ में ना आए कि रिएक्ट कैसे करी। तू लोग दोनों ऐसे काहे दिख रहे बड़ा हमके, हम कनी ना हम ई रिस्क ना लेब। प्रज्ञा दी प्लीज, आपके हालत और कंडीशन देख के हमके साफ लगा था कि आपकी रिस्क लेवे के चाहिए बहुत हो गए। पूरब सही कह रहा बा, तरह रिस्क लेवे के पड़ी। तू फिर जीत कर रहा ना कर रहा बानी दी दी तार फिक्र कर रहा बानी। और वैसे भी जब तू हमरा बारे में सोच लियो तो हम कबो तरह रुकनी नहीं के ना, तो दी अब हमें डिसीजन ले 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 बानी, अब हम ना रुक, अब हम ना रुक सके नहीं। तू काहे ना रुकबू, काहे की तनु के चैलेंज देने की 72 आवर्स में अब हम तोरा जीजू के एक करके ही रह। का हाँ, और तनु भी हमके चैलेंज कर ले भैया की तोरा और जीजू के कबो एक ना होके दी। दी तू जीजू से कह के अलग हो चाहे ना हो, पर अगर ना कहबे ना तो 100% अलग हो जाइबो। बुलबुल लेकिन 72 आवर्स में दी 72 आवर्स भी ना बचल बा, सिर्फ 48 आवर्स बचल बा। कहे की कालू काले रहल दीदी, हमनी के पास सोचे खातिर वक्त नहीं है। आई नो ये थोड़ा रिस्की बा, पर इमे चांसेस भी तो बा। अगर तू जीजू से कहबे तो शायद जीजू मान भी जाए, यू नेवर नो। प्रज्ञा दी हम बुलबुल के साथ बने, और अगर आप चाहता नहीं कि हम आगे भी बुलबुल के साथ रहें और हमने के एंगेजमेंट हो जाए तब तो आपके अभी के प्रपोज करे के पड़ी। हाँ। और रुकना खातिर आपके पास 48 आवर्स बा, चल। हाँ, लेट्स गो। चलो भाई, आई एम रेडी। आकाश अब हम ना जा रहल बानी। का है भाई, आप ही तो कह रहनी। हाँ, डॉक्टर के फोन आई रहे, वो दादी के रिपोर्ट लेके आ रहल बानी। डोंट वरी भाई, दादी के रिपोर्ट में सब ठीक होगी। आकाश बिल्कुल सही कह रहल बा, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी। और आज सुबह तो हम गुरुद्वारा में अरदास लगा के भी आई बानी, माँ जी के तबीयत हमेशा ठीक रहे। लेकिन मम्मी जी, हम जब सोके उठनी तब तब सुतत रहनी, तब फिर अब गुरुद्वारा कब गईनी? अरे हम तोरा तरह ना बानी कि देर तक सुतत रह ले। अरे सुबह उठ के हो क्या गईनी, हर बात के हमका तोरा बता के ही करब ना। हमार मतलब ऊना रहे, हम सिर्फ ई कहे चाहत रहनी कि हमके भी बता दे तू ना, हम भी चलती गुरुद्वारा, हम भी राज खाते। आलिया अभी भी घर पे बा, हम उसे बात कर लेता नहीं। I'm sure, वो मना ना करी। हेलो, पागल हो गए बड़ू का, टाइम देखेलू बात बोलेगी कि ना। आपका भाई तनु तो देखेलू ना भाई, कितना अपसेट पा दादी के तबियत के लेके। सोचेलू ना कबू तू ऐसन मूड में तू भाई के पास जाइबू ना, तभी भाई ना ही करिए। एक बार दादी के तबियत ठीक हो जाएगी फिर जाके बात करी ना यार, सोच के तो बोला करा कुछ। अले हमके लगा था ना तू चैलेंज वाला बात भुला गई बाड़ू, हमरा पास 2 दिन से भी कम टाइम बा, और बुलबुल पता ना का प्लान बना रहा लोके, और हम यहाँ पर वेट कर रहा बानी। आई डोंट केयर, हम बस जा रहा बानी। लिसन, लुक एट द एंड, बुलबुल जे चाहत बिया तो उहे कर रहा बाड़ू। मतलब का बतोहर? मतलब साफ है तनु, वो चाहती है कि तू फ्रस्ट्रेट होके कोनो ऐसन वैसन स्टेप उठावा जेकरा वजह से ओकर फायदा होखा तोहार ना। वो हमरा साथे भी ऐसने कहले रहे, और जब हम वो सब कहीं नहीं तो हमरा साथे का भेल। लुक एट मी स्टैंडिंग हियर डूइंग नथिंग। लेकिन अब हमके ओकर स्ट्रेटजी के पता चल चुकल बा तनु, और अब हम जे भी करब ना ऐसन करब कि ओकरा आगे से कुछ कर ना पाए। आई एम गोना परमानेंटली रिमूव। हां, यस आई थिंक यू आर राइट। और वैसे वो मौका तो के कब मिली, जब वो दोनों के शादी हो जाए तब ना। आलिया आई एम सॉरी, हमरा में इतना पेशेंस ना बा, हम जा रहल बानी बात करे। प्रॉब्लम बाका? हाँ, तू बाड़ू हमार प्रॉब्लम।
हम कब से तुहार सोल्यूशन ढूंढ रहा बनी, लेकिन तू हमरा अकेले छोड़त ही नहीं खे। जहाँ जाएली तू हमरा पीछे चल आवेलू। प्लीज हमके परेशान कर, बंद कर दाना तो हम पागल हो जाए। तू जात काहे नहीं खे, हमके पागल बना के छोड़बू। प्लीज फॉर गॉड सेक लीव। आई सेड लीव। अभी डॉक्टर हम आप ही के इंतजार करत रहली। इज एवरीथिंग ऑल राइट? अब चलिए हमरा साथे। ओके कम दी। तू कहलु प्रपोज? अब तार चेहरा के रंग काहे उड़ल बा? प्रपोज छोड़ा, हम के उनसे कोनो बात ही ना करे के। वो अपने आप के समझे लेगा रॉकस्टार। समझे लेना वो रॉकस्टार बानी। चार गाना का देनी, चार लोग पसंद का करे लागल, उनका दिमाग चौथे आसमान पे चढ़ गई। चौथे आसमान पे ना, सातवें आसमान पे। चौथा होगी या सातवा, दिमाग तो आसमान पे ही उड़ रहा बा ना। उनके का लगेला वो रॉकस्टार बनी तो कोई भी लड़की उनका खातिर कुछ भी करे। हां वो हैंडसम बाड़े तो कोई भी लड़की उनका ला कुछ भी कर सकेले। हम ना करब काय? तू लड़की ना बाड़ू जाओ, वो हैंडसम नहीं के। तू बकवास मत करिया, तू जाने लू ना वो अभी हमके का सुनवले हा। हमके कैसे पता चली, हम तो वहां रहनी ना। और तू पूछ भी ना रहल बाड़ू। ओके बताओ कहां भाई? हम उनसे बात करे गल रहनी, हम देखनी के परेशान रहे, हम पूछनी का प्रॉब्लम बा। वो कहल कि हम प्रॉब्लम बानी उनकी जिंदगी में, कि हम उनके परेशान करत रहले, हमरा पास कोनो काम ही नहीं कि उनके आगे पीछे घूमे के अलावा। हमेशा उनकी तकलीफ के कारण हम ही खेले, हम उनकर परेशानी दूर करे चाहत रहे, उल्टा वो हमका डांट दे लग। तू हमके बतावा, अगर पूरा परेशान होकर और तू अगर परेशानी दूर करे जाती और तरह के डांट देता, तरह कैसा लागल तू ओकरा से? प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा तू दीदी के सुबह के दवाई दे देलू ना? जी पक्का? हाँ दादी, हम तो उनके हमेशा वक्त पे दवाई देवेनी। हाँ वो तो ठीक बा बेटा, ऊपर है ना डॉक्टर नहीं आई बिया, वो फजूल के सवाल जवाब कर रही बिया। अब तहरा के तब पता बा दवाई के बारे में, हमके या स्वर्णी दीदी के कुछ पता होखत नहीं के। तो हम सोचनी के चल के तहरा से पूछ लेता नहीं। हम जा रहल बानी, अभी के मूड बहुत ही गड़बड़ बा। ठीक बा? मतलब वो दादी के लिए परेशान बानी। देख लो जीजू बेवजह नाराज ना रहे, और तू इतना से बात की ना इतना स्ट्रेच कर दे लो। ती इसे पहले की जीजू और नाराज हो जा, तू जाके उनके प्रपोज कर दे। ना ना बुलबुल, इस सप्ताह होत रही बाद में, पहले हम जाके देखत आने की दादी की तबीयत कैसन बिया। ये सब का है? ये कैसन ख्याल रखनी आप सब इनकर? हमनी डॉक्टर्स इतना मुश्किल से पेशेंट के इलाज करल जाला, और आप लोगन की लापरवाही, उल्टा हमनी पे इल्जाम लगावेले और हमसे ई कहल जाला कि हमनी ठीक से इलाज ना करीले। डॉक्टर सब ठीक तो बानो? का भइल हमरा के, ये डॉक्टर लोग भी ना इनकर आदत हो खेले हर बात पे नुस्क निकाले के। आप बाहर से अच्छा दिख रहल बानी, पर आप अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं खे। आपके घटल वजन ये बात के ओर इशारा कर रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक ना बानी। हम सबके पहले भी कहले बानी कि आप सब मिल के दादी के पूरा तरह से ख्याल रखे के बा, पर हमके लागता कि केहू के आपके परवाह नहीं खे। आप का बोले जा रहल बाड़ू डॉक्टर? आलिया अपन गलती छुपावे से कुछ न होगी, ये डॉक्टर बानी हमनी से ज्यादा जाने ली। काश के हम ही दादी के ख्याल रखे होती। अरे तू लोग के भरोसा छोड़नी, देखा दादी के का हालत हो गई बा। लागत बा ई घर में केहू के दादी के फिकर ही नहीं के, सब अपन लाइफ जी रहल बाड़े। भाई एक्चुअली यू आर राइट, गलती हमारी बा। दादी के ख्याल हमके रखे के चाहत रहे, हम उनकर पोती बानी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन हम का करती भाई, भाभी आईनी और कहनी की वो दादी के ख्याल रखी है, बस हम हाँ कर देनी। कहे कि आप तो जाने ली कि दादी भाभी के साथ कितना खुश रहनी। कहाँ भी आओ ओकरा यहाँ पे बुलावा। जी भाई। वैसे तो दिन रात दादी 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 कहत रहलू ना तू, लेकिन जब बात दादी के हेल्थ पे आयल तो कहाँ गायब हो गई रहलू तू? हम तो बस किचन में ही, किचन हॉल बालकनी यहाँ सब जाए के टाइम बात आ रहा पास, लेकिन दादी के कमरा में आवे खातिर इतना सोचे लू काहे? तू जाने लू ना कि दादी हमरा खातिर का बनी, ओकरा बावजूद इतना लापरवाही। अगर ना हो सके लाई सब कुछ तो फिर वो दिखावा काहे? आलिया तीर बिल्कुल निशाना पे लगल गया, अब डॉक्टर अभी मिलकर क्लास लिए अभी फेल हो गए। अब पता का
अभी एक्टिंग करी। I'm sorry. आगे से ना होगी। ब्ला ब्ला। हमके कुछ समझ में ही ना आ रहा हलबा, कौन सी लापरवाही? का कहली हम? का कहले बड़ू तू? डॉक्टर, दादी की जिम्मेदारी हम एकरा ही देले रहनी। अब आप ही बताई कि एकर गलती का बा? वैसे प्रज्ञा हम ई नहीं की जानत कि आप का कहनी और का ना। बाकी एक बात तो तय बा कि इनकर खाना पीना में बिल्कुल ध्यान नहीं खे दिहल गई बा। और अगर इनकर वजन यही तरह से आगे भी घटल रहला तो कबो भी कुछ भी हो सकेला। और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। सुन लू तू, सब तहरा वजह से भइल बा। सुनी डॉक्टर, I'm sorry, लेकिन आपके खुद याद नहीं की कि आप हमरा से खुदे कले रहूं कि दादी के डाइट पे खास ध्यान देवे के बा। इनकर वजन अगर बढ़त बा तो इनके बीमारी पे सीधा सीधा असर पड़ी। इनके नाश्ता में सीरा के जगह ओट्स देवेनी, पराठा के जगह इनके रोटी देवेनी, वो तो चाय काफी बिल्कुल ही बंद कर देले बानी। ये सिर्फ जूस पीनी आजकल दादी। और ऐसे इनकी तबियत में भी सुधार भइल बा। आजकल इनके जोड़ में भी दर्द ना होखेला, वो सीढ़ी से खुद चढ़ उतर आवेली। ऐसा कैला से इनके सांस भी ना फूलेले। और देखिए इनके पाँव के सूजन भी कम हो गए। वैसे हम बात में ना रिपोर्ट में बिलीव करेली। I'm sorry, आपके घटत वजन के देख के हम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई ने। I'm very sorry for it. Well, दादी, you are absolutely fine. जे तरह से ई दादी के देखभाल कैली, हमके नहीं खिलागत कि इनकर जगह कौनो और होखत तो ए तरह से देखभाल कर पाई थी। और ताज्जुब के बात तो ई बा कि जे रिकवरी कुछ महीना में होखत रहे वो कुछ दिन में ही हो गई। दादी, आपके बहू बहुत संस्कारी बिया और आपके बहुत ध्यान रखले बिया और आपके प्रति बहुत प्यार बाओ में। जौन घर में ऐसन बहू होगी, हमके नहीं खिलागत कि वो घर में डॉक्टर की जरूरत होगी। ऑलराइट दादी, आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल बा और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन बॉडी। अपन ध्यान रखब, चलत बानी हम। हाँ। चलिए डॉक्टर। देख लू, शाबाश। इस समझे लेका अपना आपकी। एक तो हमकी बेवजह डांट देलक, ऊपर से सॉरी भी ना कहलक। अब तो इनकी डांटब और सबक सिखाई। आप ना जाने लेके दादी के रिकवरी के देख के हम कितना खुश बानी। आज अगर दादी की तबीयत ठीक भइल ना आप ही के वजह से भइल बा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेल, अभी थैंक्स हमके ना बोली, आपन वाइफ के बोली। कहे कि आज उनके वजह से आपके दादी के रिकवरी इतना जल्दी भइल। ओह लुक, शी इज हियर। देयर आई प्रज्ञा, प्लीज कम। शी इज अ रियल वुमन, आई मस्ट से दैट। आज इनकर वजह से दादी इज रिकवरिंग सो फास्ट। वेल, जे तरह से आपकी वाइफ दादी के ख्याल रखले बड़ी, ठीक वही तरह अगर पेशेंट्स के ख्याल रखल जाओ देन आई एम श्योर कि दुनिया में डॉक्टर्स की गिनती कम हो सकेली। का कह रहल बनी अब डॉक्टर? हम तो बस वह कहनी जे आप कहले रहनी हमसे। नो, हम आपके जितना बतावले रहनी आप ओसे भी ज्यादा दादी के ख्याल रखले बानी। एंड आई मस्ट से दैट कि आप जे तरह से लोगन के फीलिंग्स और तकलीफ समझेनी वही तरह से हर केहू के वो फीलिंग्स के समझे के चाहिए। अभी यू शुड बी प्राउड ऑफ प्रज्ञा, शी डिजर्व्स टू बी द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। हाँ बोली, चुप काहे हो गेला डाटा हमकी? आप हमके पंचिंग बैग बना के रख ले बड़ा, जब भी मन करे गुस्सा करे ली। अरे कही ना कि हम लापरवाह बनी, बेवकूफ बनी, आपके आगे पीछे घूमेला, अलावा हमरा के कोनो काम नहीं की। और इस सकल का बना रहल बड़ा, ये गिल्टी फेस ना आपकी सुट्टा करेला।
आपकी तो डाटी की बना हमरा की एक्चुअली आपकी डाटी की जरूरत ना बा हम खुद ही बोल देता नहीं हम बहुत बुरा बानी हम के आपके परेशान करके अलावा और कोनो काम नहीं खे देखा हमार बात सुना हां सुनिए हम आपके बात जब हमके पता बा कि आप का बोले वाला बानी एक्चुअली अबार गलती ही है कि हम चुपचाप आपके बात सुनी ले जबकि हमके पता बा कि आपके सिर्फ हमरा के हर्ट करे आवेला हमके तकलीफ देवे आवेला आप हमके 8-10 कितना बोले तू एक बार बोलन शुरू कर देलू तो बंद ही ना हो केलू ई घर बा तोहार स्कूल नहीं के चाहूं तोहार लेक्चर आधा घंटा बाद खत्म होगी तू बचपन से ऐसे बाड़ू की कोनो दवाई के असर भइल बा तोरा पे कहा हम तो बस बस के लगवा ब्रेक और तनी सांस लेना काहे कि अगर तोहार सांस फूल गई ना तब फुग्गा की तरह फट पड़ जाइबू तू हां मन्ने कि हम तोरा तारा ताना देवेली तोरा पे गुस्सा करेली लेकिन हो सकेला कि ई बार हम तोरा के सॉरी बोले चाहत बनी लेकिन तू हमरा के मौका ही ना देलू आप हमके सॉरी बोले चाहत रहली बड्डे बता बिना सॉरी बोले इतना पटर पटर कर रहल बाड़ू कहीं सॉरी बोले के बाद खुशी के मारे फट ना जातू हां ई खातिर प्लान कैंसिल काने बात ना आपके बिना सॉरी कहे ही हम आपकी माफ कही नहीं हमके ना सुने के बा कुछ मम्मी हम रख रहल बानी फोन बाय बाय आंटी के फोन रहल हां त कटलू काहे बात करे के चाहत रहे ना उनसे हो सकेला उनके कोनो जरूरी काम होके उनके कोनो काम ना होखेला या कोनो बात ना करे के बा सिर्फ इंक्वायरी करे के होखेला और फिर हम कितना भी छिपाई उनके पता चली जाला कि हम खुशी की परेशानी और फिर बात सीधा हमार कान से हमार शादी तक पहुंच जाले और फिर उनका नॉनस्टॉप लेक्चर शुरू हम ना थक चुकल बानी सब कुछ सुन सुन के और वैसे भी उनके कोई भी बात के जवाब ना बा भी और जब उनके पता चली कि यहाँ पे हम अभी की वेट कर रहल बानी तब पता ना का बोली है एगो बात बताई आंटी के पता बा कि तू भाई से प्यार करेलू हाँ पता बा लेकिन उनके ई नहीं के पता कि अभी की ऑलरेडी शादी हो चुकल बा और जब उनके ये पता चली तो वो ये बात ला कबो राजी ना होखी ई बात भी है पर एगो बात बताई ई सच तू आंटी से कब तक छिपा सकेलू आज ना तक कल सच्चाई आंटी के सामने आ ही जाए ना स्वीट हार्ट ये सालिया और यही से हम चाहता नहीं कि उनके यहाँ आवे से पहले अभी की नकली शादी टूट जाए डोंट वरी सब ठीक हो जाए प्यार छोड़ा उनके तो ठीक से सॉरी बोले भी ना आवेला सॉरी बोले से पहले हम की इतना डांटेले बुलबुल हम सच कर हलबानी उनकर गाना समझब हमरा ला जितना मुश्किल बा ना उनकर बात भी समझब हमरा ला उतना ही मुश्किल बा ते मुश्किल कहां बा एटलीस्ट कोशिश तो करके देख और देख अगर ऐसे तू सोचे में टाइम वेस्ट करत रहबू ना तो हम अपन चैलेंज जरूर हार जाइब और दी वैसे भी ई बात चैलेंज के ना बल तर लाइफ के बा हमके डर लग रहल बा कि कहीं तनु तरह से जीजू के ना छीन ले देख दी 2 दिन से भी कम टाइम बचल बा ऐसे जितना जल्दी हो सके ना जीजू के प्रपोज कर दे और देख आज रात के तू दोनों अकेले बाड़े तो अच्छा से मौका ढूंढ के जीजू के बोल दे अपन दिल के बात समझ ले बस कर बुलबुल प्लीज ऐसे प्रेशराइज मत कर हम तो नहीं ना हम कोशिश कर अब चल अब रखत बानी हम लागत है कि म्यूजिक रूम में हाँ अभी बिजी होखी है अभी उनके परेशान कर अब ठीक ना होखी ना जब आई है तब बात कर अब
नहीं कबैले हम तो बोले भी ना अभी बोल देता नहीं दरअसल हम आपकी घरी नींद नहीं भरी ना कल बात करब दीदी प्रज्ञा के शादी के बाद ही पहली लोड़ी बाना हाँ फिर तो हमनी के बहुत धूमधाम से मनावल जाई इहो भी कहे के बात है ये लोड़ी के त्योहार है ना वैसे भी पंजाबियन में बहुत ही धूमधाम से मनावल जाले और काहे कि घर में प्रज्ञा के पहली लोड़ी है यही से हमनी सब रीति रिवाज प्रज्ञा के यहाँ से करवाई हाँ लेकिन हमके तक गांव के लोड़ी बहुत ही अच्छा लगे लागे था कि शहर वाला ना लोड़ी मनाए भी भूल गेल बानी ना ढोलन ना भांगड़ा इका बहन जी आप फिकर मत करी ई बार ई लोड़ी आपके पसंद से ही मनाए आकाश बेटा सुन ला ना जी दादी सुन के समझ भी ली सब अरेंजमेंट तहरा के ही करे के होगी हाँ हाँ दादी हम सुन भी लेनी और समझ भी लेनी डोंट वरी ई बार की जो लोड़ी बा बिल्कुल गाँव में जैसा लोड़ी मनावल जाला वैसा मनावल जाई भांगड़ा ढोल गिद्दा और मीठा हाँ ई भइल न कौनो बात वाह जी वाह नमस्ते, नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते दी हम के तरह से कुछ इम्पोर्टेंट बात करके बा दादी हम अभी आएंगे कर का रहल बड़े तू बुलबुल तो का करी उनका सामने बात करी हमके को बात बताओ तू जीजी के बतावले बड़े कि ना अब उ कहा ना बुलबुल कल उना देर रात तक म्यूजिक रूम में रहले अरे हम इंतजार कहे नी वो जब तक अयले हमार आँख लग गई फिर आँख खुलल तो वो घर ही नींद में सुतल रहलन कहा दी सुबह शाम दिन रात करके ना तू पूरा टाइम ही वेस्ट कर देबू चल ठीक बा कोनो प्रॉब्लम नहीं के कल के दिने खराब रहे लेकिन आज के दिन तो अच्छा बा ना हाँ आज के दिन अच्छा मतलब हर शादी के बाद पहला लोड़िया और दादी के ठीक भैला के बाद उनका पहला त्योहार और जीजू ये भी जान ली कि दादी तहरा वजह से ठीक बनी और तहरा के सॉरी भी तो कहे चाहत रहे ना कल का बोल बने हमके को समझ में नहीं ख्याल बा हमार कहे के मतलब ये बा कि तू जीजू के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो बना रखल बाड़ू लेकिन परमानेंट जगह बनाए अभी बाकी बा और आज से अच्छा मौका तहरा कबो ना मिली आज तू जीजू के प्रपोज कर दे बस तू पागल तो ना हो गए लू तो सुन लो ना दादी का कहानी ये बार के लोड़ी बिल्कुल गांव के अंदाज में मनावल जाए मतलब यहाँ ना कहीं और होगी वहाँ दूर सबके सामने हम उनसे बात कर अब ओफो दी कबो कबो हमरा लगेला कि तू मौका ढूंढे से ज्यादा बहाना ढूंढे ले दी देख आज के दिन शुभ बा और औरतन ला तो डबल शुभ बा कहे की शादी के बाद लोहड़ी ऐसा त्योहार बा जहाँ पति और पत्नी के अग्नि के सामने फेरा लेवे के मौका मिलेला और पत्नी यू भी प्रार्थना करेले की जब तक वो जिंदा बानी तब तक हर लोहड़ी पर अपन पत्नी के साथे ऐसी अग्नि के फेरा लेते रहे तार शादी तो हो चुकल बा पर प्यार के डोर से ही रिश्ता के मजबूत कर अभी भी बाकी बा देखती ऐसे बेटर मौका तोरा कबो ना मिली तारा के आज कौनो भी हाल में जीजू के प्रपोज करे के ही होखी अच्छा ठीक बा आई ट्राई यू हैव टू ट्राई ई अभी और प्रज्ञा के पहली लोड़ी है देखी हम इतना नाचब इतना नाचब इतना नाचब का भेल दीदी गलती हो गई हम ही चक्कर में ना प्रज्ञा के घर वालन के न्योता दे भी भूल गई नी सब तहरा वजह से भइल बा कब से यहाँ हुआ के बात करे जा रहल बिया और काम के बाद भइल ही ना काम के काम ही ना भइल अरे मोबाइल कहाँ बा वहाँ बा वहाँ हमरा ट्रेडिशनल भांगड़ा डांसर चाहिए और ढोल के साथ ना 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 उनका ड्रेस भी चाहे ट्रेडिशनल ठीक बा वो हमरा नहीं पता कहीं से भी अरेंज करा बट करा बड़ी माँ हम का सोचत रहनी एक बार लोहड़ी में ना गुरुद्वारा के पीछे वाला मोहल्ला में चल जाए वहाँ बहुत धूमधाम से मनावे ले भाई तुम लोग के जहाँ जाए के बाना चल जा हम कहीं नहीं के जाए वाला हमके बहुत थकान हो रहा बा हम घर में ही रही हा? हाँ माँ जी हमके पता बा आपके कितना थकान हो रहा बा
अच्छा माँ जी, हमके अच्छे से पता बा आपके घर पे रह के का करे के बा। तो के तो सब पता बा ना, हमके घर में रह के का करे के बा। दादी प्लीज चली ना, आपके बिना तो मजा ही ना आई। मजा ना आई? हम तो के जैसे वहाँ संता बंता के जोक सुनावे वाला बानी जाते हो के मजा आई। गुड आइडिया, ऐसा करिया कि आप जोक भी सुना दिया तो और मजा आई। हेलो, फोन आ गई। अभी की दादी के बख्श चुप रहो। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी। लोहड़ी बहुत बहुत मुबारक। आपके भी हम सबके तरफ से लोहड़ी के बहुत बहुत बधाई। ना जी ना, ऐसे बधाई ना ले, आपके घर आवे के पड़ी। आपके यहाँ? हाँ जी, हमरा घरे। प्रज्ञा के पहली पहली लोहड़ी बा ना, तो हम चाहता नहीं कि दोनों परिवार मिलके खुशी मनावे। और मिलके खुशी मनाई तो खुशी दुगनी हो जाई ना। ठीक बाजी, आप बड़ा बानी, आप हुकुम दिले बानी तो हम सब पहुँच जाए। टाइम पे आ जाइए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ला, तोहरा बड़का प्रोग्राम बनत रहे ना गुरुद्वारा के पीछे जाए के, अब तो खुद प्रज्ञा दीदी के ससुराल से न्योता आ गई। हम सब वहाँ चलल जाओ और खूब मजा करल जाओ। ओहो, मजा आई। माँ जी, आपके मजा कैसे आ सकेला? अब आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? आप एक काम करी, आप घर पे रह के आराम करी और लोहड़ी में वहाँ हम सब चल जाए। हाँ, हमार थकान के मार गोली दमाद के घर जाए के बा, हम तक कौनो भी हालत में चल जाए और जाए का हम तब भंगड़ा भी पाए। और दूल्हा पट्टी वाला बा, दुल्हनिया सच के आई हो। और पता बा, दादी कहत रहनी कि ए बार के लोहड़ी ना एकदम स्पेशल होगी, काहे कि प्रज्ञा की पहली लोहड़ी है ना। वो कहत रही कि एकदम गांव स्टाइल में मनाइए। वो ढोल बजी, गिद्दा होगी, भंगड़ा होगी। आलिया, हमार तो अभी से नाचे के मन कर रहल बा, और हम तू दोनों के पहले से कह रहल बानी। हाँ, वो हील वाली सैंडल मत पहनिया, फ्लैट्स पहनिया, ताकि हम तीनों मिलके नाच सकी। हम चला तानी बहुत सा काम पड़ल बा ना। हमके कब से ही मौका के इंतजार रहल। यू नो व्हाट, ये प्रज्ञा के पहली लोड़ी है, लेकिन स्वीट हार्ट एके मनेबू तू, और ऐसे मनेबू जेके केहू ना भुला पाई, स्पेशली बहन जी। पर वो कैसे? वेरी सिंपल तनु, वो बहन जी और उनकर घर वाला ही सब रिलीजियस चीज में बहुत विश्वास रखे ले। अब सोचिए, अगर केहू इनकर विश्वास, ये आस्था यही के ही तोड़ दी, तो फिर इनके साथ का होगी बेचारन के साथ। हाँ आलिया, पर ये सब कुछ होगी कैसे? तू भी ना तनु, कबो कबो ई लोगन के तरह दूर के नजर से देखा। अब देखी, लोड़ी पे आग तो जलाई है ना, और दादी बोली है कि प्रज्ञा और भाई के आके फेरा लेवे के पड़ी। और सोच ला, अगर फेरा भाई और प्रज्ञा ना लेके भाई और तू ली था। आलिया, सोच के इतना अच्छा लग रहा बात करके कितना अच्छा लगी। कुछ भी हो के आलिया, ये मौका हम अपन हाथ से ना जाए दे। और फिर हम भी देखा था कि हमार दिल चैलेंज वो जीते ली कैसे। दी, हमके तो ये बात के डर लग रहा बा कि तोर करे से पहले कहीं ऊ ना कुछ कर बैठे। अगर ऐसा हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाए। तोर चेहरा पे जितना जितना टेंशन हमके दिख रहा बा ना, उसे लगता तू तो कुछ कर ही ना पाई। हम भी पागल बानी ना जे तनु के चैलेंज दे आई। नी तोरा के कोनो फर्क ही ना पड़ रहा बा। कैसे ना पड़ल बिया? फर्क पड़ रहा बिया ना। तू बुलबुल, देखा हम कुछ सोच नहीं ना, तो एकर मतलब ई ना कि कुछ ना सोचब। तू फिकर मत करी, हम ई मौका क्या अपन हाथ से जाए ना देव। तू देख लिया, आज की रात हम उनसे अपन दिल के बात कह के ही रहा।